व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की मूवी जो एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है फियर स्ट्रीट, जिसकी कहानी 1994 की है, लेकिन ये फिल्म 2021 में रिलीज़ की गई थी। सो ये काफ़ी अमेजिंग हॉरर फिल्म है। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम होता है हेथर। वो शेडी साइड मॉल में एक बुक शॉप में काम करती है। और फिर हम रायन नाम के एक लड़के को देखते हैं, वो भी इसी मॉल में काम करता है। अब काफ़ी रात हो चुकी है, लेकिन हेदर और रायन अभी भी मॉल में अपनी जॉब कर रहे हैं। और हेदर बुक शॉप में कुछ काम कर रही होती है, लेकिन तभी उसकी नज़र एक बुक पर पड़ती है जो कि अपनी शेल्फ से नीचे गिरी हुई थी। जब वो उस बुक की तरफ जाती है तो उसे कुछ फुसफुसाहट की आवाज़ आती है और उसे लगता है कि रायन उसके साथ मजाक कर रहा है। वो बोलती भी है कि रायन मैं डर गई, प्लीज़ मेरे साथ मजाक मत करो। लेकिन तभी उसे वहाँ पर थोड़ी दूर चलने में कुछ खून की बूंदें दिखाई देती है। उसे देख रही होती है कि तभी उस पर एक मास्क पहने हुआ आदमी चाकू से हमला कर देता है। वो देख कर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वहाँ से भागना चालू कर देती है। वो थोड़ी दूर पर जाके एक शॉप के लैंडलाइन से 911 को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि वो मास्क उसे मारना चाहता है। अब हेदर वहां से बिना आवाज किए हुए वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो मास्कमैन उसे आखिर में पकड़ लेता है और उसे चाकू से मार देता है। अब मरने से पहले हेदर उस मास्कमैन का मास्क हटाती है और ये मास्कमैन कोई और नहीं बल्कि रायन होता है। जी हाँ दोस्तों, जो कि हेदर के साथ इसी मॉल में काम करता था। और तभी इसी टाइम रायन की खोपड़ी पर एक गोली लगती है और ये गोली मारी थी वहाँ पर एक ऑफिसर ने जो कि हैदर को बचाने के लिए आया था, लेकिन अफसोस हैदर अब बच नहीं पाई है, उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब इसके बाद हमें मूवी का इंट्रो दिखाया जाता है जिसमें कि कुछ बातें बताई जाती है, जैसे उस दिन रायन ने 7 लोगों को जान से मारा था और ऐसा खूंखार मौत का कारनामा इस शहर में हर साल होता रहता है। वहाँ के रहने वाले लोगों को मानना है कि इस शहर पे एक खूनी चुड़ैल का साया है जिसका नाम है सारा फियर, जो कि काला जादू करती थी जिसकी वजह से उसे फांसी पे लटका दिया था। और इसके बाद हमें 30 साल बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर हम दूसरी कहानी देखते हैं। अब यहाँ पर हम एक डीना नाम की लड़की को देखते हैं जो कि शर्डी साइड में रहती है। डीना अपने रूम में एक पेपर पे सैम आई हेट यू बार बार लिख रही होती है और उसे फिर वो काट देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डीना का अभी अभी जल्दी अपनी गर्लफ्रेंड सैम से ब्रेकअप हुआ है, मतलब डीना एक लेस्बियन है। यहाँ हमें पता चलता है कि डीना अपने भाई जोश के साथ इसी घर में रहती है। जोश हर टाइम कंप्यूटर पर क्वीन ऑफ डार्कनेस नाम की लड़की से चैट करता रहता है। बाद जोश डीना को हाल में हुई मौतों की खबरें दिखाता है और बताता है कि इन सब की वजह वो खूनी चुड़ैल सारा फियर है। और इन सब खबरों को देखकर डीना सोच में पड़ जाती है। और फिर हम देखते हैं कि जोश ने अपनी रूम की दीवारों पर इन किलिंग की काफ़ी सारा न्यूज़ आर्टिकल लगाया था, जिसे देख के पता लग रहा था कि जोश इन किलिंग के ऊपर काफ़ी रिसर्च कर रहा है। अब एक्चुअल में जोश अपने आप को डिटेक्टिव समझने लगा था। कि डीना अपने स्कूल में होती है जहाँ पर उसे हेदर की फ़ोटो दिखती है जिस पर लिखा होता है RIP। और स्कूल में डीना के दो दोस्त होते हैं जिनके नाम होते हैं केट और साइमन। साइमन उसे बताती है कि एक मास्क मैन ने कल शर्डी साइड में काफ़ी लोगों को मार दिया है और इसके पीछे वो चुड़ैल है। लेकिन डीना इन सब बातों पे यकीन नहीं करती है, उसे ये सारी बातें बकवास लगती है। शर्डी साइड के स्कूल के बच्चे काफ़ी लापरवाह होते हैं। एक्चुअल में दोस्तों, इस शहर में दो टाउन दिखाए गए हैं। एक शर्डी साइड है जो कि बहुत ही ज़्यादा गरीब है, जहाँ पर अभी डेवलपमेंट नहीं हुई है, और दूसरा टाउन है सनीवेल जो कि बहुत ही डेवलप है। और यहाँ पर डीना को ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता कि एक रात पहले उन्हीं के स्कूल की एक लड़की हेदर जिसकी मौत हो गई है। अब स्कूल के हेड जो होते हैं वो सारे स्टूडेंट को इकट्ठा करके बोलते हैं कि सनीवेल के लोग कल के इंसिडेंट के शोक मनाने के लिए कैंडल और कुछ मशाल जलाएंगे और हमें भी वहाँ शामिल होने के लिए जाना है। ये सुन के डीना और काफ़ी जो स्टूडेंट होते हैं वो अजीब सा रिएक्शन देते हैं, जिसे देख के ऐसा लगता है कि वो लोग वहाँ पर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें जाना पड़ता है। जिसके बाद अब सारे शर्डी साइड के स्कूल के बच्चे बस में सनीवेल के स्कूल की तरफ निकल पड़ते हैं और हम सनीवेल के घर को देखते हैं जो कि बहुत ही आलाशान और डेवलप होते हैं, जो कि शर्डी साइड से बिल्कुल उल्टा होता है। ये सभी लोग सनीवेल के पहुँच जाते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक फुटबॉल मैच होने वाला था जो कि शर्डी साइड वर्सेज सनीवेल होने वाला था, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद उसे कैंसिल कर दिया गया था। स्कूल के प्लेग्राउंड में दोनों स्कूल के बच्चे खड़े होते हैं। वहां पर सनी वैली के मेयर दोनों स्कूल के स्टूडेंट को कल के इंसिडेंट के बारे में बता रहे होते हैं और उनको एक साथ रहने को बोलते हैं। इधर डीना किसी को वहाँ पे ढूंढ रही होती है और ये कोई और नहीं बल्कि सैम होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डीना एक लेस्बियन है और वो सैम से प्यार करती है, लेकिन अब उनका ब्रेकअप हो चुका है। सैम सनीवेल स्कूल में पढ़ती है और इसके बाद डीना सैम को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखती है और ये देख कर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा और निराश हो जाती है और डीना वहाँ से चली जाती है।
कोने में जाके बैठ जाती है, लेकिन तभी वहां पर सैम आती है और वो डीना से बोलती है कि मुझे लगा था कि तुम आओगी। और तभी डीना उसे एक बॉक्स देती है जिसमें सैम से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और फिर डीना वहां से जाने लगती है। लेकिन सैम उसे बोलती है कि तुमने मुझसे ब्रेकअप किया था और तुम सबको क्यों बता रही हो कि मैं गलत इंसान हूँ। और डीना बोलती है कि तुम सनीवेल स्कूल गई थी मुझे छोड़कर, मैं नहीं गई थी। और उन दोनों के बीच में बातें हो रही होती है कि तभी अचानक से ग्राउंड से आवाज़ें आती हैं और हम देखते हैं कि सनीवेल और शर्डीसाइड के बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे हैं, जिससे कि शर्डीसाइड के बच्चे काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और दोनों के बीच में हाथापाई होना चालू हो जाती है। और वहाँ पर मौजूद एक ऑफिसर इनकी लड़ाई छुड़वाते हैं और अब शर्डीसाइड के जो सभी बच्चे हैं वो बस से अपने घर की तरफ जाना चालू कर देते हैं। इनके पीछे सनीवेल के बच्चे पड़े होते हैं और इन लोगों के बस के ऊपर पानी की बॉटल फेंक रहे होते हैं। जब डीना विंडो के पास जाती है तो उसे कार में सैम दिखती है, जिसे देख के वो काफ़ी गुस्से में आ जाती है। वो भी एक बाल्टी में पानी भर के उन पर फेंकने का सोचती है। डीना केट से बोलती है कि तीन तक गिनने पे तुम दरवाज़ा खोल देना, लेकिन तभी डीना की नाक से खून आने लगता है और अचानक से डीना के हाथ से बाल्टी छूट जाती है जो कि उस गाड़ी के ऊपर जाके गिरती है, जिससे कि उन लोगों का डिसबैलेंस हो जाता है और सैम की गाड़ी एक पेड़ से जाके टकरा जाती है। इसके बाद डीना चिल्ला कर बोलती है कि बस रुको, और हम देखते हैं कि सैम और उसके दोस्त को काफ़ी चोटें आई थी, लेकिन सैम कुछ अजीब बर्ताव कर रही थी। वो गाड़ी से बाहर आती है और उसे वहाँ पर काफ़ी डरावने ख्याल आते हैं, कुछ अजीब से विजन आते हैं जो कि चुड़ैल से रिलेटेड होते हैं। उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई चुड़ैल उसका पीछा कर रही हो, और तभी उसके नाक से खून आने लगता है और फिर डीना उसके पास आती है और पूछती है कि क्या हुआ। डीना सैम से सॉरी बोलती है और फिर वहाँ पे केट और साइमन भी आ जाते हैं, और जब साइमन उसके पास जाता है तो सैम उसके शर्ट पे खून की उल्टियाँ करने लग जाती है, जिसे वो काफ़ी गालियाँ देता है। और इसके बाद वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है और उन लोगों से पूछताछ करना चालू कर देती है। सभी स्टूडेंट इस बात को छुपा लेते हैं कि इनमें उनकी गलती थी, वो कुछ बहाना बना के पुलिस को बेवकूफ़ बना देते हैं, जिससे कि वो लोग यहाँ से बच जाते हैं। अब यहाँ पर हमें कुछ अजीब से सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ पर कार का एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पर कुछ आहट से सुनाई देती है डीना को, और डीना इस बात को इग्नोर करके घर आ जाती है। अब घर आकर वो सैम की मम्मी को फ़ोन करती है सैम के बारे में पूछने के लिए, लेकिन सैम की जो मम्मी होती है वो उसे बहुत ही बुरा बर्ताव करती हैं और बोलती हैं कि दोबारा फ़ोन मत करना। अब ये सब सुनकर डीना बहुत ही गुस्से में आ जाती है और वो गेट पर खड़ी होती है कि उसे थोड़ी दूर पर एक स्केलेटन ड्रेस पहने हुए कोई आदमी दिखता है। वो सोचती है कि ये सनीवेल वाले लड़के हैं, सैम का बॉयफ्रेंड है जो कि उसे परेशान करने आया है। वो उसे इग्नोर करके अंदर जाती है, लेकिन वो स्केलेटन उसका पीछा नहीं छोड़ता और वो स्केलेटन वाला आदमी उसकी किचन के विंडो के बाहर आ जाता है। अब डीना इसे सैम का बॉयफ्रेंड समझ रही थी, इसलिए वो और ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और गुस्से में आके वो चाकू लेके बाहर आती है, लेकिन तब तक वो स्केलेटन वाला आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद डीना केट को कॉल लगाती है और उसे बताती है कि सैम का बॉयफ्रेंड उसके साथ मजाक कर रहा था। और इधर हम देखते हैं कि केट अपने घर पर साइमन अपने फ्रेंड के साथ होती है, तभी थोड़ी देर बाद दोनों को एक कांच टूटने की आवाज़ सुनाई देती है। जब ये उसे चेक करने जाते हैं तो इन्हें वहाँ पर स्कल मैन दिखता है जो कि स्केलेटन वाला आदमी था। ये दोनों उसे देखकर दीवार के पीछे छुप जाते हैं, और लेकिन तभी उसी टाइम केट गलती से कुछ आवाज़ कर देती है और वो जो स्केलेटन वाला आदमी होता है वहाँ से भाग जाता है। और जब साइमन वहाँ पर जाता है तो वो देखता है कि वो आदमी उसकी टी शर्ट जिसपे सैम का खून लगा हुआ था उसे देख रहा था। केट, साइमन, डीना और जोश सभी लोग एक साथ आते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो सैम से मिलने हॉस्पिटल जाएंगे। अब डीना सैम के पास पहुंच जाती है और वहाँ डीना और सैम की बहस होना चालू हो जाती है। वो बोलती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड मेरे घर के बाहर आया था मुझे डराने के लिए, तो सैम बोलती है कि मेरा बॉयफ्रेंड तो मेरे पास ही था। और यहीं पर हम ब्लैक कलर के एक मास्क पहने हुए आदमी को देखते हैं जो कि इन लोगों की बातें सुन रहा होता है, और तभी वहाँ पर जो स्कल मैन होता है वो आ जाता है और वो पैट्रिक के पेट में, पैट्रिक दोस्तों सैम का बॉयफ्रेंड होता है, और वो पैट्रिक के पेट में चाकू मार देता है जिससे कि उसकी वहीं मौत हो जाती है। अब स्कल मैन सैम और डीना के पीछे पड़ जाता है और दोनों उससे जान बचा के वहाँ भागना चालू कर देते हैं। वो भागते हुए रिसेप्शन तक पहुँचते हैं और वो देखते हैं कि स्कल मैन ने एक स्टाफ को वहाँ पर गला काट के बहुत ही बेरहमी से मार दिया है। तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आता है जो कि स्कल मैन से बोलता है कि आपको यहाँ पर मास्क पहनना अलाउ नहीं है, लेकिन वो स्कल मैन उसे भी बहुत बेरहमी से मार देता है। और तभी वो स्कल मैन सैम को भी देख लेता है और उसे पकड़ लेता है। डीना सैम को बचाने के लिए स्कल मैन को पीछे से पकड़ लेती है
और सैम उसके हाथों में दांत काट लेती है जिससे कि उसका चाकू हाथ से छूट जाता है। और तभी डीना उसका मास्क हटाती है और वो देखती है कि मास्क के नीचे कोई और नहीं बल्कि रायन है, जिसे कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वेल, अभी तक ये आदमी ज़िंदा कैसे है? और दोस्तों, यहाँ पर रायन के सर पर गोली भी लगी होती है, मतलब कि वो मर चुका है और मर कर दोबारा ज़िंदा हो गया, मतलब एक वो ज़ोंबी है और इसे किसी ने पॉसेस किया है। अब इसके बाद सभी लोग वहाँ पर खड़ी वैन से भाग कर यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन जाते हैं। अब डीना उस ऑफिसर को बताती है कि उसने मास्क वाले आदमी को देखा है जो कि कोई और नहीं बल्कि रायन है, जो कि मॉल में मर चुका है, लेकिन पुलिस वाले उसकी बात नहीं मानते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साइमन सूसू कर रहा होता है, तभी उसे वहाँ पर रोड पे एक अकेली लड़की बैठी हुई दिखती है। उसकी नीयत बिगड़ जाती है, वो उसके पास जाता है और पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन तभी वो लड़की उस पर हमला कर देती है और वो उसे बचने के लिए रोड के बीच में आ जाता है, उस पर चढ़ जाती है और उसे मारने की कोशिश करती है। इससे पहले कि वो उसे मार पाती, डीना उसे गोली मारकर वहीं गिरा देती है। जी हाँ दोस्तों, डीना ने पुलिस वालों की एक गन चुरा ली थी। सो यहाँ पर फाइनली वो साइमन को बचा लेती है और फिर ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो लड़की दोबारा से सही हो जाती है, मतलब उसे जो गोली लगी थी वो बिल्कुल सही हो चुकी है। अब घर आने के बाद जॉश सभी को इसकी कहानी बताना चालू कर देता है कि ये कौन लड़की थी। वो अपने रूम से एक न्यूज़पेपर की कटिंग लाता है जिसमें उस लड़की की पिक्चर होती है जिसे कि हमने रोड पे देखा था। जोश बताता है कि ये लड़की का नाम है रूबी लेन, इसने अपने बॉयफ्रेंड और उसके फ्रेंड को मार दिया था और फिर खुद की कलाई काट दी थी और जान ले ली थी। तभी केट बोलती है कि ये खबर न्यूज़ में क्यों नहीं आई, तो जोश बोलता है कि ये हादसा 30 साल पहले 1965 में हुआ था, जिसे सुन के ये सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, मतलब कि रूबी 30 साल पहले मर चुकी है लेकिन वो दोबारा से ज़िंदा हो गई है। जोश काफ़ी सारे न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाता है जिसपे ऐसे ही कुछ दर्दनाक हादसे छुपे हुए थे। जोश सभी कटिंग को दिखाता है जो कि अलग अलग टाइम पर इसी टाउन में हुई थी, करीब 30 साल पहले, और 30 साल पहले से आज तक ये सारे खून इसी तरह से होते जा रहे हैं और अभी तक चलते जा रहे हैं। और तभी उन्हीं एक पिक्चर में से एक पिक्चर पे साइमन की नज़र पड़ती है और जोश बताता है कि ये पहला इंसान है जहाँ से ये सब होना शुरू हुआ था। इसने काफ़ी सारे छोटे बच्चों को मार कर उनकी आँखें निकाल ली थी और इसका नाम है मिलर, और इसका नाम है मिलर जो कि 1666 में एक काम किया था इसने। तो हमें मेन विलेन के बारे में पता चलता है। जोश बताता है कि एक लड़की जिसका नाम सारा फायर है, जो कि एक चुड़ैल है, उसी का हाथ इन सब के पीछे है। वो काला जादू करती है, इस वजह से उसे सज़ा दी गई थी और फांसी पर लटकाया गया था। अब वो वापस आ गई है और इस शहर से बदला लेने के लिए वो कब्र में से बाहर निकलती है और सभी को अपने वश में करके सबको मार देना चाहती है। सैम आती है और बताती है जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तब उसे वहाँ पर उसने एक चुड़ैल का इमेजिनेशन देखा था, उसे महसूस हुआ था। और ये सुन के वो सभी लोग उसी स्पॉट पर चले जाते हैं जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ पर उन्हें एक कंकाल से बंधी हुई जंजीर मिलती है जिसके ताले पर लिखा होता है फायर। तभी इन्हें समझ आ जाता है कि ये कब्र सैम फायर की है और यहाँ पर तभी सैम के नाक से फिर से खून निकलना चालू हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर हमें पता चलता है कि सैम ने उस कब्र को टच किया था, उसे बिगाड़ा था, उनकी हड्डियों को छुआ था, इस वजह से वो चुड़ैल अब सैम को मारना चाहती है। अब एक बार फिर से दोबारा सैम को उस चुड़ैल का इमेजिनेशन महसूस होता है और तभी वहाँ पर अचानक से एक कुल्हाड़ी लिए हुए आदमी, अजीब सा आदमी आता है और वो सैम पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन डैनी उसे बचा लेती है और सभी लोग वहाँ से वैन में बैठ के भागना चालू कर देते हैं। जब ये लोग रास्ते में होते हैं तो सभी लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम यहाँ से ज़िंदा बच के जा रहे हैं। और तभी सैम बोलती है कि वो तुम्हें नहीं मुझे मारना चाहते थे क्योंकि मैंने उसे फिर से देखा था, उस चुड़ैल को जिसकी मुझे इमेजिनेशन आती है। सैम बोलती है कि मैंने उसकी कब्र को ख़राब किया था, इस वजह से वो चुड़ैल मुझे मारना चाहती है। अब यहाँ पर ये लोग कन्फ्यूज़न में पड़ जाते हैं कि अगर वो चुड़ैल सैम को मारना चाहती है तो वो डीना के घर पर क्यों गई थी। डीना को पता चलता है कि उसके जूतों पे सैम का खून आया था, इस वजह से वो उसके घर पे गया था, वो हथियारा उसे मारने के लिए। और वो साइमन के घर पे भी इसलिए गया था क्योंकि उसकी शर्ट पे सैम का खून गिरा हुआ था। अब ये सभी लोग बज बजाते हुए एक कंपाउंड में पहुंचते हैं और सभी लोग अपने कपड़े बदल देते हैं ताकि उस पर सैम का खून ना लगा हो। यहाँ पर ये सभी लोग एक प्लान और एक ट्रैप बनाते हैं उन स्कल मैन के लिए, या फिर वो जो एक्स वाला आदमी है, या फिर वो रूबी लेन के लिए। ये सभी लोग सैम के खून को एक पोछी में लगाकर पूरे बाथरूम में फैला देते हैं और वहाँ पर केरोसिन ऑयल भी डाल देते हैं, और जिसके बाद जोश उस पोछे को पूरे हॉल में लगा देता है जिससे कि उस खून की स्मेल हर जगह पहुँच जाए। अब सारे लोग स्कल मैन का वेट करने लगते हैं लेकिन वहाँ पर उल्टा हो जाता है। स्कल मैन तो आता ही है, उसके साथ साथ वो कुल्हाड़ी वाला आदमी और रूबी लेन भी आ जाती है,
लेकिन वो तीनों इन लोगों को कुछ नहीं करते, वो सीधा बाथरूम में घुस जाते हैं और उस खून की स्मेल की वजह से वो सभी जो बाथरूम है वो तोड़ने लगते हैं। लेकिन वहाँ पर एक डमी होता है और वहाँ पर वो देखते हैं कि एक डमी होता है। जैसे ये तीनों उस बाथरूम में घुसते हैं, ये लोग गेट बंद कर देते हैं, बाथरूम के अंदर एक विस्फोट होता है और ये तीनों पूरी तरह से जल के ख़त्म हो जाते हैं। जब सभी लोग अंदर बाथरूम में चेक करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जोश एक अजीब सी चीज़ देखता है। वो देखता है कि वो कुल्हाड़ी वाला आदमी फिर से बनना चालू हो गया है, वो फिर से रीजनरेट हो रहा है। मतलब दोस्तों, इन लोगों को मारा नहीं जा सकता है। अब ये सब देखकर ये लोग वहाँ से भागना चालू कर देते हैं और एक रूम में आके अपने आप को बंद कर लेते हैं। अब इन सब चीज़ों से केट काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। वो बोलती है कि सैम की वजह से हम सब मारे जाएंगे, उसे हॉल में भेज दो ताकि सारा खेल ख़त्म हो सके। और सैम बोलती है कि हाँ, केट सही बोल रही है, उसकी वजह से वो नहीं चाहती कि किसी और की जान जाए, और वो तुरंत ही वहाँ से बाहर चली जाती है। और डीना सैम को बाहर नहीं जाने देना चाहती है, वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और जोश अपनी बहन को इस हालत में देखकर रह नहीं पाता। और तभी जोश की नज़र वहाँ पर एक आर्टिकल पर पड़ती है जिसमें लिखा होता है कि इन तीनों कातिलों से कैसे बचा जा सके। और इधर हम देखते हैं कि जैसे वो एक्स वाला आदमी सैम को मारने वाला होता है, डीन उसे अंदर खींच लेती है। जोश सभी को बताता है कि कुछ सालों पहले एक विक्टिम सी बर्मन थी जिसे भी विजन आते थे उस चुड़ैल के, और वो किसी तरह से बच गई थी। ये लोग को पता लगाना होता है कि सी बर्मन एक्चुअल में कैसे बच गई थी। तो ये लोग गेट को बंद करते हैं और तुरंत ही सी बर्मन को कॉल लगाते हैं, लेकिन सी बर्मन फ़ोन नहीं उठाती है। और अब साइमन उसी आर्टिकल में देखती है जिसमें कि सी बर्मन के बारे में कुछ और बातें लिखी होती है। उसमें लिखा होता है कि पहले सी बर्मन मर गई थी लेकिन वो दोबारा से ज़िंदा हो गई थी। तो ये लोग भी यहाँ पर एक प्लान बनाते हैं कि का प्लान होता है कि पहले सैम को मार दिया जाए, फिर उसके बाद उसे ज़िंदा किया जा सके, जिससे कि हम उस चुड़ैल को धोखा दे सकें और उस चुड़ैल को लगे कि सैम मर चुकी है और वो सैम का पीछा छोड़ सके। लोग वहाँ पर एक विंडो से भागकर साइमन के वर्कशॉप पे चले जाते हैं जहाँ पर वो काम करता था। साइमन उन्हें बताता है कि उसने एक आदमी को सारी दवाओं का एक मिक्सचर दिया था जिससे कि 2 मिनट तक वो आदमी मर गया था और उसे एड्रेनलिन देने के बाद वो दोबारा ज़िंदा हो गया था। और साइमन सैम को बताता है कि दवाएं कैसे खानी है, सारे डोसेस के बारे में बताता है। और इधर हम देखते हैं कि ये तीनों जो कातिल होते हैं, एक्स मैन और रूबी लेन और वो जो स्केलेटन वाला आदमी होता है, वो भी यहाँ पर आने लगते हैं। और इधर डीना सैम को वो दवाएं खिलाना चालू कर देती है, लेकिन तभी वहाँ पर स्कैल मैन आ जाता है और वो उन्हें पकड़ लेता है। उनकी जान बचाने के लिए केट उनकी मदद करती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर केट की जान खतरे में आ जाती है, को पकड़ लेता है। केट उसे लाग छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। वो आदमी केट का सिर एक ब्लेड मशीन के पास ले जाता है और उसका सर उसमें डाल देता है जिससे कि उसकी बहुत ही दर्दनाक मौत हो जाती है। और जब ये चीज़ जोश और साइमन देखते हैं तो वो पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं, लेकिन तभी अचानक पे वो कुल्हाड़ी वाला आदमी आता है और साइमन के सर पे कुल्हाड़ी मारता है और उसको भी वहीं पर मौत हो जाती है। अब यहाँ पर सिर्फ सैम, डीना और जोश बचते हैं। इसके बाद सैम उस दवा की वजह से हालत उसकी ख़राब होने लगती है, लेकिन अभी भी वो ज़िंदा होती है, वो मरती नहीं है। तो डीना डिसाइड करती है कि उसका सर वो एक्वेरियम में डालेगी। ऐसी वो करती है, डीना सैम का सर थोड़ी देर के लिए एक्वेरियम में डालती है और जिससे कि वो तड़पना चालू हो जाती है। और जैसे ही वो कुल्हाड़ी वाला आदमी उसे मारने आता है, सैम मर जाती है। और दोस्तों, सैम के मरते ही वहाँ पर जितने भी कातिल होते हैं, कुल्हाड़ी वाला आदमी, एक्स वाला आदमी या फिर वो स्केलेटन वाला आदमी या फिर रूबी लेन, वो तीनों गायब हो जाते हैं। मतलब कि सैम के मरते ही वो तीनों गायब हो चुके हैं और ये सारा किस्सा ख़त्म हो चुका है। अब डीना सैम को पानी से बाहर निकालती है और सैम की सांसें रुक चुकी थी। वो उसे काफ़ी एड्रेनलिन के इंजेक्शन देती है, वो उसे काफ़ी इंजेक्शन लगाती है, लेकिन वो फिर भी नहीं जागती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर से उठ जाती है और ज़िंदा हो जाती है। अब सैम होश में आ जाती है और उल्टी करना शुरू कर देती है। इसके बाद डीना बोलती है कि हमने कर दिखाया। पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इन लोगों को पुलिस पूछताछ के लिए बुलाती है, लेकिन ये लोग पुलिस को कुछ नहीं बताते हैं। पुलिस के पास इन लोगों के ख़िलाफ़ कोई सबूत भी नहीं होता है तो वो इन्हें छोड़ देते हैं। अब हम देखते हैं कि सैम और डीना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और तभी डीना को एक फ़ोन आता है। जब वो फ़ोन उठाती है तो उसे कुछ आवाज़ें सुनाई नहीं देती है। और दोस्तों, तभी हमें पता चलता है कि ये कॉल सी बर्मन का होता है। सी बर्मन उसे बोलती है कि तुम उससे कैसे बच गई। डीना उसे बोलती है कि हमने सब कुछ ख़त्म कर दिया, लेकिन सी बर्मन बोलती है कि उसे रोकना इतना आसान नहीं है, उसे कोई रोक नहीं सकता, तुम उसे बच नहीं सकती है, वो किसी ना किसी तरह से तुम्हें मारने का रास्ता निकाल लेगी। और फिर हम उस चुड़ैल को देखते हैं जो कि एक रिचुअल कर रही होती है और वो सैम का नाम लिखती है, जिससे कि सैम पॉजेस हो जाती है और अचानक से डीना के पेट में कोई चाकू घुसा देती है।
वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो सैम होती है जो कि उसी चुड़ैल के वश में आ चुकी थी। अब डीना जोश को बुलाती है और जोश देखता है कि सैम किसी के वश में आ चुकी है। इसके बाद डीना सैम से बोलती है कि मैं तुम्हें ठीक करके रहूंगी, मैं तुम्हें वापस ला कर रहूंगी। और इसके बाद ये फिल्म यहीं पे ख़त्म हो जाती है। वेल गाइज, इसके आगे की स्टोरी हमें अगले फिल्म में पता चलेगी, तो अगले फिल्म मैं जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।